हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के जीके प्रोग्राम के 10 मिनट शो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग विशेष चुनिंदा प्रश्न देख रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा देखें। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का जो नया नया जो क्वेश्चन बनाया गया है, इससे संबंधित आप लोग यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाइए और यहाँ से पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सभी वीडियो का पीडीएफ यहाँ पर आपको मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया जाता है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सरोजा बैजनाथ का कैंसर के कारण बेल्लारी कर्नाटक में निधन हो गया है। वे किस नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना और गुरु थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डॉक्टर सरोजा बैजनाथ थीं, इनके लगभग 15 देशों में इनके नृत्य से संबंधित विद्यालय हैं। इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी हैं और इनके जो विद्यालय हैं, इनके जो शिष्य लोग हैं, वो चला रहे हैं वर्तमान में। तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये बहुत अच्छी कलाकार हैं बैद्यनाथ जी, और ये आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? राइनो मतलब होता है गैंडा, ठीक है ना? याद रखना, राइनो मतलब होता है गैंडा। तो विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 18 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 22 सितंबर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। गैंडा के संरक्षण से संबंधित जो है ना, असम राज्य में इसके प्रोटेक्शन के लिए जो ये दिवस है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में 10 मिनट शो, और ये हमारा हर दिन सुबह 5 बजे आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लिए तैयार रहना और इसका प्रत्येक क्वेश्चन बारीकी से देखना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का निधन 1539 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इनकी पुण्यतिथि 22 सितंबर को मनाई जाती है। ये गुरु नानक जी हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है ना? और पीछे जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, अमृतसर का आपका कौन सा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, इसको हम कौन सा कहते हैं? स्वर्ण मंदिर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण मंदिर, ठीक है? ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है भारत का, ठीक है? तो इनका निधन जो है कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में, इस्लामाबाद में, करतारपुर में या फिर अमृतसर में? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स करतारपुर। तो गुरु नानक जी जो है, इनका जो जन्म जो मृत्यु हुई थी या निधन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? करतारपुर में हुआ था 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 21 सितंबर 2023 को नॉर्मन ई बोरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? हरदीप सिंह, संत स्वांते पावो, डॉक्टर स्वाति नायक या फिर सभी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को जो है ना, 2023 के लिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जबकि 2022 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है? याद रखना, यहाँ विशेष दिया गया है वाशिंगटन 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड 2023 के वास्ते नामित किया गया है। नायक नायक मतलब उनसी नायक, स्वाति नायक, ठीक है ना? नायक नई दिल्ली की स्थित IRRE में सीड्स सिस्टम एंड प्रोटेक्ट मैनेजमेंट के लिए दक्षिण एशिया प्रमुख है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 2023 में इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त? राइट आंसर हो जाएगा, आज ही का दिन 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गांव को 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिलेगा? ठीक है ना, अभी मिला नहीं, ये मिलेगा और आपको ये मिलेगा कब? लगभग 27 या 29 तारीख के
आसपास घोषित कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी डेट याद रखना जो है, कब ये घोषित किया गया है, किस गांव को घोषित किया गया, या किस गांव को यह ना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के नाम से जाना जाता है, 24 परगना, ठीक है ना, लाड़पुर खास गांव, सोनितपुर गांव या करिटेश्वरी गांव। तो फ्रेंड्स याद रखना, पिछली साल 2022 में, 2022 में जो नामित किया गया था सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ये लाड़पुर था, और ये कहाँ पड़ता था, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये क्या है, करिटेश्वर गांव। ये कहाँ पड़ता है, ये कोलकाता के पास पड़ता है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा आपका करिटेश्वर गांव, पश्चिम बंगाल में। करिटेश्वरी ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता, पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट। दूसरा, कोलकाता 21 सितंबर 2023, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में करीट गांव एक केंद्र द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, याद रखना ये कहाँ की मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल की, ठीक है ना, ने बृहस्पतिवार को जानकारी प्रदान की। तो याद रखना 21 सितंबर को इसको नामित किया गया, और ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, करिटेश्वरी गांव। यहाँ पर जो 51 शक्तिपीठ थी, 51 शक्तिपीठ में से ये एक माना जाता है। करिटेश्वरी गांव के पास में एक ये नदी भी है, और इसी नाम से मंदिर भी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। यह हिमालय की तलहटी में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानस नदी, ठीक है ना, इसका खाली स्थान तट पर है। तो मानस नदी के किस तट पर है, पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्वी तट पर, ठीक है। तो ये पूर्वी तट पर मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी किस देश में है, जापान, चिली, अलास्का, इक्वाडोर। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू किस द्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो यहाँ फ्रेंड्स देख लीजिए, ये जो है ना ये पेरू है, इसके बाद ये ब्राजील पड़ता है, ये बोलीविया है, ये पराग्वे है, ये चिली है, ये उरुग्वे है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये आपका इक्वाडोर पड़ता है, यहाँ पर कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये फ्रेंच गुयाना है, इधर फ्रेंच है ये, ठीक है ना, ये फ्रेंच गुयाना है। इसी प्रकार से बहुत सारे देश हैं, और ये है क्या, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ बोलिविया, ब्राजील और इधर इस इक्वाडोर, और इस साइड में आपका चिली, इनके बीच में पड़ता है ये पेरू। इसकी राजधानी है फ्रेंड्स क्या, लीमा, याद रखना इसकी राजधानी लीमा है। इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्वांटम कंप्यूटर की इकाई क्या है, बिट, वाइट, क्यू वाइट और मेगा वाइट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो क्वांटम कंप्यूटर होता है इसकी इकाई जो होती है ये वो क्यूबिट होती है। तो फ्रेंड्स कैसा रहा आज का हमारा वीडियो, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और आपको वीडियो जो है पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। फ्रेंड्स कैसा रहा आज का हमारा वीडियो, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू।